हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल रानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम ग्रोथ हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि हमारे बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या हमें प्रिकॉशन करना होता है और साथ ही होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर साथ में चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ ही बेल आइकन दिया गया है तो घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों दिन प्रतिदिन मेरे पास ओपीडी में पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है। वो पूछते हैं क्या होम्योपैथी से हाइट बढ़ती है। तो दोस्तों ये ट्रूथ और मिथ, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, फिर हम अदर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता देती हूँ, पेरेंट्स पूछते हैं क्या हमारे बच्चों की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, होम्योपैथी से हाइट इंक्रीज होती है, बट सब बच्चों की नहीं। जिन बच्चों की बोन प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती, जिनमें प्यूबर्टी टाइम क्रॉस हो जाता है, तो उनमें हाइट इंक्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे छोटा बच्चा है, मतलब 10 साल से या 12 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है, वो स्कूल में जा रहा है और पेशेंट पूछ रहा है या मीन्स पेरेंट्स पूछ रहा है कि मेरे बच्चे की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है। तो जैसे दुबला पतला बच्चा होता है, एक होता है मोटा थुलथुला बच्चा। दुबले पतले बच्चे में तो हम इजीली देख सकते हैं कि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बट जो थुलथुला बच्चा होता है उसमें हम प्रॉपर तरीके से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि इसकी हाइट इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास के या फिर उस एज के बच्चों के साथ हम उसकी हाइट का अगर कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें अगर उन बच्चों के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों तरीके से उन बच्चों के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, तो मीन्स आपके बच्चे की जो हाइट है वो नेचुरल तरीके से इंक्रीज हो रही है। जो थुलथुला बच्चा होता है, मीन्स मोटा बच्चा होता है, तो इसमें भी हम अदर बच्चों के साथ कंपैरिजन करके और हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की भी हाइट इंक्रीज हो रही है। और दूसरा एक तरीका होता है दोस्तों, जैसे हम घर पे एक ग्रोथ चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक जैसे आज की डेट में हम ये मेजर करेंगे कि हमारे बच्चे की जो हाइट और वेट है वो आज ये है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 3 साल का बच्चा है, तो 3 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग हाइट है वो 90 या 92 सेंटीमीटर है। अगर वो 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर में अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपके बच्चे की जो हाइट है वो नेचुरल तरीके से इंक्रीज हो रही है। दोस्तों अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे बच्चे की हाइट इंक्रीज या फिर कांस्टेंट हाइट रहने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों थायराइड हार्मोन। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है या लंबे समय से उसको थायराइड की प्रॉब्लम चली आ रही है या फैमिली हिस्ट्री में भी सदियों से अगर ये सेम प्रॉब्लम चली आ रही है, तो एक कॉन्स्टेंट हाइट या हाइट कम होने का ये चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारी फैमिली में अगर लंबी हाइट वाले पेरेंट्स हैं हमारे, तो हाइट ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए पेरेंटल साइड मीन्स यानी कि पापा की तरफ, जो लड़की है और लड़का है, अगर लड़की की हाइट की बात करें, तो लड़की पापा की जो फैमिली होती है तो उस पर हाइट ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जो लड़का है वो मैटरनल की तरफ हाइट ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मीन्स अगर पापा की तरफ लंबे पेरेंट्स हैं, कद काठी वाले ज़्यादा लंबे हैं, तो उनके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों
न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मीन्स बच्चे में किसी भी रीजन से जैसे मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट अगर इनकी डेफिशिएंसी लंबे समय से चली आ रही है ग्रोथ कम होने का ये भी चांस हो सकता है। जैसे बच्चा पूरी तरीके से कैल्शियम इंटेक नहीं ले रहा है मीन्स अगर वो दूध नहीं पी रहा है तो प्रॉपर जो हमारी बोन्स हैं बोन्स को अगर कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं मिल पाएगा ये भी एक चांसेज हो सकता है ग्रोथ कम होने का। दोस्तों जो दूध है और दूध से सप्लीमेंट्स ये ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। बच्चे का जो लाइफस्टाइल है बच्चा तकरीबन पूरा दिन बैठा ही रहता है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो एक चांसेज ये हो सकता है ग्रोथ कम होने का। जैसे पूरी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाना अगर बच्चा दिन में एक घंटा अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी करता है जैसे कि रेस लगाना, बैडमिंटन खेलना या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक क्रिकेट वगैरह जिसमें भागा दौड़ी ज़्यादा रहती है या फिर साइकिलिंग करना तो उन बच्चों के ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों इसका एक जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है आजकल पेरेंट्स है वो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर डालते हैं तो ये बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है मीन्स उधर से टीचर्स की डांट पड़ती है बच्चों को, इधर से पेरेंट्स की डांट पड़ती है। आजकल जैसे डे बोर्डिंग स्कूल होने लग गया है तो बच्चा पूरा दिन स्कूल में रहता है उसके बाद आके उसका ट्यूशन लगवा देते हैं तो जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चा स्ट्रेस में आने की वजह से भी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे सिर में यानी ब्रेन के पीछे जो पिट्यूटरी नामक हार्मोन होता है उससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। जब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो वो जो सेल्स हैं वो सेल्स में डिवाइड होता है। जब सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है मीन्स सेल्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है तो इनकी जैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी हाइट भी इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों इसकी मैं कुछ होम रेमेडी के बारे में डिस्कस करती हूँ। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको ज़्यादा इंटेक कराइएगा। जैसे हरा सब्जी है, हरा सब्जी आप बच्चों को ज़्यादा दे सकते हैं। अभी जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में वीक में 2 से 3 बार आप हरा साग उनको दे सकते हैं, हरी सब्जी उनको दे सकते हैं। डेली बच्चे को 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को आप उनको दूध दे सकते हैं। और जैसे छोटा बच्चा होता है तो मदर क्या करती है जैसे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जैसे बॉर्नविटा तो प्लीज इनको अवॉइड करें। दोस्तों अप्रोक्सीमेट मेरे पास ओपीडी में 100 में से 98% बच्चे होते हैं जो दुकान जो घर के खाने के साथ साथ दुकान की चीज़ें खाते हैं तो दुकान की चीज़ें खाते हैं तो दुकान की चीज़ें खाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर एक ग्रोथ डेवलपमेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो भी रुक जाती है। कई केसेज में दोस्तों देखा जाता है जो बच्चे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते या मीठा ज़्यादा खाते रहते हैं तो बच्चों में पेट में कीड़े होने के चांसेज हो जाते हैं। तो कीड़े शरीर को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है मीन्स बच्चा एनीमिक हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ होम्योपैथी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है ब्राइटा काप। दोस्तों जनरली हर फिजिशियन ब्राइटा काप बच्चों में यूज करता है। बच्चा अगर मेंटली डल है, बच्चे की हाइट प्रॉपर तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही है तो इसके लिए ब्राइटा काप काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। दोस्तों ब्राइटा काप 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार मंडे एंड फ्राइडे 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए। एक एक बूंद टंग डोज लेना है तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटा फोर्स। अगर बच्चा मेंटली काफ़ी वीक है और साथ में बच्चा दुबला पतला है तो उसके लिए हम ब्राइटा फोर्स 30 पोटेंसी में 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को वीक में 2 बार लेना है मंडे एंड फ्राइडे। इसको भी आप 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है अगर बच्चे को से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रखी है, अगर बच्चा माइंड से काफ़ी शातिर है, काफ़ी तेज है मीन्स मेमोरी उसकी काफ़ी शार्प है और बच्चा दिखने में काफ़ी लीन थीन है
अगर कुछ भी खिला रहे हैं तो खाया पिया उसको जैसे लग नहीं रहा है। बच्चे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल रही है। कैल्केरिया फोस 200 पोटेंसी में एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को वीक में दो बार 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्त नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोंकोलाइनम। बच्चे को बार बार ठंडा खांसी आए और बच्चा दिखने में काफी वीक है, बच्चा बार बार जल्दी एडजस्ट हो जाता है, तो ट्यूबरकुलाइनम 200 पोटेंसी में एक महीने में सिर्फ एक बार टंग रोज लेना है, तो ट्यूबरकुलाइनम 200 पोटेंसी में आप इसको कंटिन्यू कीजिए। काफी अच्छी मेडिसिन है, काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। होप सो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर मेंशन कीजिए। कोई भी आप अपनी मनपसंद वीडियो बनाना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों हम एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे ऑनलाइन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन अपनाएं, अपना जीवन बेहतर बनाएं। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।